हाँ जी, तो आपके साथ हम लेजर चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर, बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। यानी आपको तीन काम करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, एंड लास्टली ट्रायल बैलेंस बनाना है। यानी आप कहें तो तीन चैप्टर इसके कवर कर रहा है आपके ये। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करें, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो इन्होंने हमें दी है वो है श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मार्च 2017 को। तो आइए क्या एंट्री होगी, देखिए मार्च 1 बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 2। ऑनर ने पैसा लगाया है, कैपिटल आ गई, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 80,000 रुपीज डेबिट में, 80,000 रुपीज क्रेडिट में। नरेशन क्या आ जाएगी? बिजनेस तो नरेशन हमने लिखी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई, जर्नल एंट्री हमने कर ली। इसके बाद दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो गुड्स परचेज किए हैं 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो आइए जी, गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? गुड्स परचेज करने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए, क्योंकि कैश में परचेज किए हैं, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट देख ले क्वेश्चन में, अमाउंट इन्होंने दिया है 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए, 36,000। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। इसके बाद चले हम नेक्स्ट एंट्री पर। तो नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन कहता है 3 मार्च को है, और एंट्री है मशीनरी परचेज फॉर कैश 4,000 रुपए, 4,000 का मशीनरी परचेज किया है हमने। अच्छा, इसकी नरेशन और लिख दूं मैं, नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, आइए जी, तो अगली डेट हमारी है 3 मार्च। 3 मार्च को मशीनरी परचेज की है, तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने मशीनरी खरीदी है, अमाउंट क्या है मशीनरी का? मशीनरी का अमाउंट है 4,000 रुपीज। तो आइए 4,000, नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे हाँ जी, नरेशन क्या लिखी? मशीनरी परचेज फॉर कैश। इसके बाद अगली एंट्री देखें, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है ये है 4 मार्च को, जहां पे हमने गुड्स परचेज किए हैं रघु एंड दिलीप से 22,000 एंड 30,000। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं दो पार्टी से, दोनों की साथ में कंबाइन एंट्री कर सकते हैं हम लोग। आइए करें, फोर्थ को कंबाइन एंट्री होगी, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट में आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट एंड दिलीप अकाउंट। ठीक है, दो लोग दिलीप एंड रघु से हमने गुड्स खरीदे हैं 22,000 एंड 30,000। ठीक है, आइए, हमने गुड्स खरीदे हैं 22,000 के रघु से, और दिलीप से हमने कितना खरीदा है? 30,000। तो इन दोनों का टोटल बताओ, ये हमारी टोटल परचेज हो गए 30,000 प्लस 22,000, कितना आ गया?
52,000 रुपीज। तो 52,000 की हमारी परचेजेस हैं, उधार में हमने खरीदा है ये, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने उधार में सामान खरीदा। अब एक काम कीजिए आप लोग, ये एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इन्हें रब कर देता हूं और आगे की एंट्रीज हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 मार्च तक की एंट्री हो गई, तो इन्हें आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो 4 मार्च तक की हमने एंट्रीज लिख ली, इसके बाद मैं आगे की एंट्रीज लिखता हूं, मैंने रब कर दी है ये एंट्रीज। तो अगली एंट्री है हमारी 6 मार्च को, रिटर्न गुड्स टू रघु, हमने गुड्स खरीदे थे 4 मार्च को, उसमें से रघु को हमने 4,000 का सामान वापस भेज दिया। आइए जी, रघु के पास हमने 6 मार्च को एंट्री करनी है, बुक्स में क्या एंट्री होगी, गुड्स वापस भेजे हैं, तो जिसे हमने क्रेडिटर बनाया था उसे खत्म करना पड़ेगा और परचेजेस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हमारे क्रेडिटर को खत्म करें, रघु, रघु का अकाउंट क्या कहलाएगा, रघुस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न किए हैं, अमाउंट कितना आएगा, 4,000 रुपए आएगा, ठीक है। 4,000 नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू रघु, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू रघु, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई जी 6 मार्च की। 6 मार्च के बाद हम नेक्स्ट आपके साथ स्टार्ट करें 8 मार्च को। 8 मार्च को कहता है पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने रघु को पेमेंट कर दी इन फुल सेटलमेंट, यानी जो भी उसका हिसाब बनता था उसे हमने पूरा क्लियर कर लिया, कितने में, 17,500 में, 17,500 में। अगर ये अमाउंट सेटल कर लिया तो देखिए पहले तो देना कितना था, अगर आप ध्यान दें तो हमने रघु से गुड्स खरीदे थे 22,000 के, 22,000 के 4 मार्च को गुड्स खरीदे थे और 6 मार्च को हमने 4,000 के गुड्स वापस कर दिए, यानी अब हमें इन टोटल 22,000 माइनस 4,000 यानी कि 18,000 रघु को पे करना था, बट हम फाइनल सेटलमेंट में कितना पे कर रहे हैं, 17,500। तो हमारे पास 500 रुपीज का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। आइए, तो आप जब एंट्री करेंगे 8 मार्च को तो क्या एंट्री होगी, 8 मार्च रघु को हम पेमेंट कर रहे हैं, रघुज अकाउंट डेबिट टू कैश हाँ जी। तो ये मैंने 3 नाम लिखे, रघु को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर खत्म हो रहा है। कैश को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इनकम है, डिस्काउंट मिल गया ना, 18,000 की जगह कितने देने पड़े, 17,500। तो आइए, तो हम पूरा फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इसे कंप्लीट खत्म करेंगे रघु को 18,000 से, पेमेंट किया 17,500 और जो डिस्काउंट है वो 500 रुपीज का। ये लीजिए, नरेशन और लिख दें, फुल सेटलमेंट एंड रुपीज 500 डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। पेड इन फुल सेटलमेंट लिख देना, पेड इन
फुल सेटलमेंट एंड 500 रुपीज डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि पे ही 17,500 की है, फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट हो गया। हमने कहा बस यही देना है, और कुछ नहीं देंगे, ठीक है? तो जो और कुछ नहीं दे रहे हैं हम इसको, तो हमें डिस्काउंट मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, वो है 10th of March को। 10th March को है, हमने सेल्स किए हैं महेश चंद को 32,000 की लिस्ट प्राइस है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। 32,000 का सामान हम बेच रहे हैं, उस पर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो क्या एंट्री होगी? मुझे बताइए कितना आएगा? 32,000 का 500 आना है हमारे पास, कितना? अगर 10% देखें तो 3200 होता, यानी 1600 कम पे करेगा, ठीक है हमें? यानी हमने सेल्स कितने की हैं, 32,000 माइनस 1600 कर दो तो कितना आ जाएगा, 30,400। आई बिलीव चेक कर लेना आप लोग, 5% डिस्काउंट लगाकर 32,000 में से डिस्काउंट देंगे ये। तो महेश चंद एंड कंपनी को बेचा हमने, सेल्स की 30,000 एंड 400 में। आई होप आप लोगों को 30,400 कैसे आया है ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए जो लिस्ट प्राइस था वो कितना है, 32,000, ठीक है, लेस प्राइस माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ गया, ये आ गया 1600। सो सेल्स वैल्यू या नेट वैल्यू ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है बात। चलिए इसके बाद हम नरेशन लिख लें। यहां पर नरेशन जो लिखेंगे वो क्या होगी, नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट है। उधार में तो आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा कि उधार है या नहीं है, उधार तो क्लियरली हमें वैसे ही दिख रहा है कि उधार है, क्योंकि पार्टी का नाम दिया और कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप क्या मानेंगे उसको, क्रेडिट पर मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है 13th को। 13th को कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंदन कंपनी 19,800। महेश चंदन कंपनी से 19,800 आए एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए का, ठीक है? आपको पेमेंट आई तो आपने डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, ठीक है? 19,800 का पेमेंट आया, 200 का डिस्काउंट दे दिया। तो आइए देखें इसकी एंट्री क्या होगी। आइए 13th of March की एंट्री है, पेमेंट आई है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपके पास पेमेंट आई है, तो डिस्काउंट किसने दिया है, आपने दिया है, तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनीज अकाउंट, ठीक है? कितना पेमेंट दिया उन्होंने, उन्होंने पेमेंट दिया 19,800 और आपने डिस्काउंट दिया है 200 का, तो इन टोटल जो हमारा डेटर है वो कितने से कम हो गया, 20,000 से, इन दोनों का सम। चलिए तो अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, नरेशन मैं लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है? आपको अमाउंट रिसीव हुआ इसलिए आपने अपने कस्टमर को महेश चंद को क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक?
ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, 13 मार्च तक की एंट्री हमने लिख ली, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। हाँ जी, तो अब आगे एंट्रीज पर चलते हैं। हमने आपके साथ 13 मार्च तक की एंट्री कर ली। 13 मार्च के बाद हमारे पास आता है जी 15 मार्च को पेड कैश टू दिलीप। दिलीप को हमने पेमेंट किया है कितना, 14,850 का, एंड डिस्काउंट रिसीव 150। ठीक है, दिलीप से हमने सामान खरीदा था कभी, आज पेमेंट कर रहा है 15 तारीख को। आइए क्या एंट्री होगी देखें। पेमेंट किया दिलीप को, दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू हाँ जी, तो देखिए आपने पेमेंट कितने की है, 14,850 की ये हमने पेमेंट की है, और डिस्काउंट कितना मिला है, 150 का। यानी इन टोटल जो हमारा क्रेडिटर है कितने से खत्म हो जाएगा, इन दोनों के सम टोटल से। इन दोनों का सम टोटल कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, RCVD लिखा मैंने शॉर्ट में इसे। ये बात क्लियर आई बिलीव आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 20 तारीख की एंट्री है, 20th मार्च। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना, 25,000। 25,000 का कैश में सामान बेचा। आइए हाँ जी, तो 20th को हमने एंट्री क्या कर दी, हमने सामान बेचा है तो कैश आ गया, और सेल्स हमारी इनकम है, ठीक है, 25,000 से। ठीक है, आई बिलीव ये एंट्री में कोई डाउट नहीं है, कैश सेल्स की एंट्री आपको वैसे भी आती है। देन 24th मार्च, 24th मार्च को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। सुधीर लिमिटेड को आपने कैश में गुड्स बेच दिए, कितने के बेचे, 18,000 के, तो ये भी कैश सेल्स हुई। ठीक है, 24th को भी कैश सेल्स हो गई, क्योंकि पार्टी का नाम तो दिया है बट कैश में है, तो कैश में दिया है तो हमें फिर पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं। 18,000, तो 24 तारीख को 18,000 की कैश की एंट्री आएगी। ये लीजिए, यहाँ इन नरेशन मैंने अलग लिखी है, ऊपर अलग लिखी है, मीनिंग सेम ही है। गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश ही है, कैश आया हुआ है ना, तो एंट्री नरेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है हर एंट्री की। हाँ, अकाउंट चेंज नहीं होते, एक अकाउंट का जो नाम एक बार लिखा है उसी नाम से आपको उसको बार बार लिखना पड़ेगा। 24th के बाद 25 तारीख को आपने 1,500 का रेंट पे किया है। आइए इसकी भी एंट्री करें। रेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, किसी का मन करे तो रेंट पेड अकाउंट भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। रेंट डेबिट हुआ है यानी खर्चा है, कैश अकाउंट कितना,
1500 नरेशन रेंट पेड, छोटा सा नरेशन है, रेंट पे ही किया है। चलिए तो 25th तक की एंट्री हमने यहां लिख ली। अब दो तीन एंट्री और बची हैं, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, फिर वो तीन एंट्री भी मैं लिखवा देता हूं आपको। हाँ जी, तो 25th तक की एंट्रीज हमने लिखी आपके साथ। 25th के बाद 26th को एंट्री है कमीशन रिसीव की। कितना कमीशन? 2000 का कमीशन मिला है 26 मार्च को। तो एंट्री क्या होगी? कमीशन आपकी इनकम है, मिला है यानी कैश आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कमीशन। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में लिख सकते हैं, क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है इनकम है ये। आइए, और हमारे पास अमाउंट कितना है? 2000 रुपए का, 2000 का कमीशन है। नरेशन क्या हो गई? कमीशन रिसीव्ड हो गई। इसके बाद 26 के बाद हमारे पास एंट्री है 28th की। 28th को हमारे पास जो एंट्री है वो है विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। 5000 रुपए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। ठीक है, आइए 28th को। पार्टनर ने निकाले हैं, सॉरी पार्टनर ने कहा प्रोप्राइटर ने निकाले हैं पैसे। ड्रॉइंग टू कैश, फाइव थाउजेंड। ठीक है जी, ड्रॉइंग टू कैश 5000। नरेशन क्या हो जाएगी? कैश विड्रॉन बाय ऑनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे निकाले। नाउ 28th के बाद नेक्स्ट एंट्री ऑन द सेम डेट 28th को ही है, परचेज अ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस। हमने बिजनेस ने प्रोप्राइटर के घर के लिए एक फैन खरीदा, यानी पैसा गया बिजनेस से और फैन आया। बट फैन बिजनेस में नहीं आया, प्रोप्राइटर के घर गया, तो एक तरीके से हमारे लिए क्या हुआ जी? ये ड्रॉइंग सी कहलाएगी। हमने तो कैश दे दिया कुल मिला के, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सिमिलर एंट्री रिपीट होगी 28th को एक और। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 1200 रुपीज। 1200 रुपए का पंखा खरीद के प्रोप्राइटर को दे दिया, अपने घर के लिए किया हो तो ठीक है। तो ड्राइंग हो गई, परचेज्ड फैन फॉर प्रोप्राइटर हाउस, घर लिखा ही है ना साफ साफ, मैं बस ये वर्ड देख रहा था। ठीक है, आइए, तो आपने फैन खरीद के दिया। इसके साथ हमारी सारी एंट्रीज खत्म हो गई। आप क्या कीजिएगा, यहां पर टोटल जरूर कर लीजिएगा सारे डेबिट और क्रेडिट्स का। ठीक है, बराबर आएगा दोनों साइड ही। ठीक है, इसके बाद हम अगला काम करते हैं। अगला काम क्या है? अगला काम जो क्वेश्चन ने बोला है वो बोला है कि इन एंट्रीज के हेल्प से आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन दी थी, ट्रांजेक्शन की हेल्प से हमने जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री की हेल्प से आपको क्या बनाना है जी? आपको बनाना है अकाउंट बनाने हैं आपने। तो देखें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे।
तो मैंने क्या किया है, मैंने एंट्रीज पिछली इरेज कर दी हैं, तो वन बाय वन वो एंट्री नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो मैंने एक इजी मेथड किया, आप लोगों ने नोट कर लिया साथ साथ, तो आपके पास भी एंट्रीज आपके सामने होनी चाहिए। तो हम सबसे पहला काम कर रहे हैं, हम पहली बार कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हम ये देख लें कि कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो देखिए जी, मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने भी जो एंट्रीज आपके पास लिखी है ना, ऐसी ही एंट्रीज अपने पास नोटबुक में लिख ली हैं, ठीक है। अब ये नोटबुक में जो एंट्री लिखी है, या पेज पर मेरे पास जो एंट्री लिखी है, इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखें आप ध्यान से, ये मैंने पेज इसलिए लिया है क्योंकि आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसे ही प्लान करना है, इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लानी है, ठीक है। तो अगला मेरे साथ ये लिखिएगा, ऐसे आपने एग्जाम में नहीं लिखना, अपनी नोटबुक में नहीं लिखना होता, आगे करना नहीं होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है। हेडिंग दीजिए, लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं, सबसे पहले देखिए एंट्री नंबर वन। एंट्री नंबर वन में कैश और कैपिटल का अकाउंट है, तो दो अकाउंट तो ये बनाने पड़ेंगे, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। उसके बाद एंट्री नंबर सेकंड जो मार्च को है, उसमें परचेज और कैश, तो कैश का तो हम बना ही रहे हैं तो उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेजेस का। मैं यहां लिखूं, आपको दिख नहीं रहा हो तो, परचेजेस का अकाउंट हो गया, ठीक है, परचेज अकाउंट जिसे बोलेंगे हम। देन एंट्री नंबर सेकंड के बाद थर्ड मार्च को देखो, मशीनरी और कैश, कैश तो बना ही रहे हैं, तो फोर्थ अकाउंट क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट। इसके बाद आप फोर्थ मार्च को देखो तो परचेज अकाउंट है, रघु और दिलीप है, परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो फिफ्थ अकाउंट क्या बनेगा, रघुज अकाउंट बनाएंगे, रघु का अकाउंट बनेगा। सिक्स्थ बनेगा दिलीप का, दिलीप अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, एपोस्ट्रॉफी एस इसलिए लगा है पर्सन के अकाउंट में, क्योंकि पर्सन खाता नहीं है। अगर हम बोलें रघु अकाउंट तो क्या मीनिंग होता है, रघु अकाउंट नहीं, हमने बोलना है रघु का अकाउंट, यानी रघुज अकाउंट, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रघु कोई खाता नहीं होता, कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए पर्सनल के साथ इस तरह हम लगाते हैं अकाउंट। देन फोर्थ मार्च के बाद सिक्स्थ ऑफ मार्च को देखो तो रघुस एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, तो रघु का अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो सेवेंथ अकाउंट जो बनाएंगे आप क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न। तो आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए मेरे साथ एंट्रीज पर, इन एंट्रीज को जरूर देखिएगा, इन एंट्रीज में जब भी कोई नया अकाउंट आएगा उसे मैं लिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ, और रिपीट हो रहा है तो उसे तो एक बार नाम लिख लिया ना, दो बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका अकाउंट तो बन ही रहा है। देन रघु के बाद, नहीं सॉरी, सिक्स के बाद एट्थ ऑफ मार्च को रघु कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, तीसरा अकाउंट, रघु का अकाउंट ऑलरेडी बना रहे हैं, कैश हमारे पास ऑलरेडी है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो एट्थ अकाउंट का नाम क्या लिख लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम बना रहे हैं आपके साथ। फिर आगे देखिए, एट्थ के बाद टेंथ ऑफ मार्च को देखें, महेश चंद एंड कंपनी एंड सेल्स, तो देखो महेश चंद एंड कंपनी एंड सेल्स, सेल्स भी नहीं है, महेश चंद भी नहीं है, तो दोनों अकाउंट बनेंगे, महेश चंद एंड कंपनी का अकाउंट बन गया एक तो, और एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा है वो, सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, तो 10 अकाउंट तो देखो नाम आ गए सामने। आगे देखें, 13th मार्च वाली एंट्री देखो, कैश डिस्काउंट अलाउड महेश चंद, कैश ऑलरेडी है, महेश चंद अभी अभी हमने लिख लिया,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देखो पहले है नाम नहीं है, तो 11th अकाउंट क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन गया। अब 11th के बाद, सॉरी 11th कहां से निकला था ये? ये हमारे पास, हाँ 13th मार्च वाली एंट्री से। 15th मार्च वाली एंट्री अगर आप देखें पीछे जाके, तो दिलीप कैश डिस्काउंट रिसीव, भाई दिलीप का अकाउंट ऑलरेडी है, कैश का अकाउंट भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी अकाउंट है, तो कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी बना रहे हैं, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है हमारी लिस्ट में। देन कैश एंड सेल, कैश भी है और ये सेल्स कहाँ गया? 10th पे सेल्स भी हम बना ही रहे हैं, तो और नया अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। 24th को देखें, कैश सेल्स है तो रिपीट है, ऑलरेडी हमारे पास ये लिस्ट में है। 25th को रेंट एंड कैश, कैश तो है रेंट का नहीं था, तो 12th जो अकाउंट बनेगा वो किसका बना लेंगे? रेंट का बना लेंगे। फिर हमारे पास 26th मार्च की एंट्री देखो, कैश टू कमीशन रिसीव्ड, कैश तो है कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट नहीं है, तो वो हम बना लेंगे। 13th अकाउंट कौन सा बन जाएगा? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बन जाएगा। 14th अकाउंट, तो ये इतने सारे अकाउंट आपने बनाने हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा और बार बार मैं इस पेज को रखूंगा अपने सामने, क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास जर्नल एंट्री है, एक्चुअल में जर्नल एंट्री की हेल्प से ही आगे के काम होते हैं, इसलिए जर्नल एंट्री ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटराइज वर्ल्ड में देखें तो केवल एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है, लेजर वगैरह कंप्यूटर अपने आप बना के दे देता है, तो वही इसीलिए बार बार इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, ठीक है, क्योंकि मैं बगैर जर्नल एंट्री के लेजर बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता, कंप्यूटर ही नहीं बना सकता, इंडिविजुअल नहीं बना सकता, कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना किसे डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो एंट्री बताएगी आपको। 14th अकाउंट देखें हम लोग, ड्रॉइंग एंड कैश, तो सर ड्रॉइंग अकाउंट नहीं है आपके यहाँ पे, बिल्कुल कैश तो है, तो अगला अकाउंट बन गया ड्रॉइंग का अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट बन गया। देन कैश अकाउंट बना हुआ है, 28 भी रिपीट एंट्री है, तो ये 14 अकाउंट्स आप लोगों ने बनाने हैं हमारे साथ। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा ये प्रोसेस कैसे मैंने किया, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके छोड़ देता, मुझे प्रोसेस बताना था, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, लेंदी जाएंगे, क्योंकि नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, स्टेप किस तरीके से लिया जा रहा है, तो वो जो सोच रहे हैं वो आपको बताना था, इसलिए थोड़ा धीरे रहा। चलिए, तो अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने अब बनाने हैं ये इनके अकाउंट वन बाय वन, जर्नल एंट्री की हेल्प से बनेंगे, तो आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं यहां से, और फिर हम वन बाय वन ये सारे अकाउंट 14 अकाउंट्स बनाएंगे। इन अकाउंट्स को बनाने के बाद ये अकाउंट भी मुझे हटाने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेस इश्यू आएगा। हम क्या करेंगे, हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंट्स के हेल्प से हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलिए, या मैं एक काम करूंगा, ट्रायल बैलेंस मैं एक साथ बना के रख लूंगा, मुझे इरेज करना है तो मुझे सबके बैलेंसेस चाहिएंगे, तो ऐसा ही करेंगे, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट में और बना के रख लेता हूं आपके साथ यहीं पे, ठीक है, ताकि लास्ट वाला काम भी हो जाए। हाँ जी, तो अब देखिए, मैंने आपके लिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाकर तैयार रखा है, और ये पार्ट हटाया नहीं क्योंकि मुझे चेक करवाना है कि एक एक अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट हमारा पार्ट था, तो मैं कैश अकाउंट बनवा रहा हूं आपसे, ठीक है, कैश अकाउंट में बनवाता हूं, बाकी पार्ट आपको होमवर्क में देता हूं, एक काम करता हूं, ये बाकी अकाउंट आपको बनाने को देता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कंटिन्यू करवा दूंगा, तो कैश अकाउंट में बना देता हूं, बाकी अकाउंट आपने बनाने हैं, और इसे किस तरीके से फिल करना है मैं ये भी समझाऊंगा विद एग्जांपल ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है, इसका अगले वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। आइए, चलिए, तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाने के लिए आपको, आप बुक नहीं चाहिए, यानी आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज आपने नोट डाउन की थी उन्हें निकाल लीजिए, उन्हें सामने रखिए और देखिए कहां कहां पर कैश अकाउंट आया है। देखिए, सबसे पहले 1 मार्च को ही आ गया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये कैश का अकाउंट है और ये डेबिट हुआ है, यानी इस साइड लिखेंगे मार्च,
फर्स्ट, ठीक है, पहली मार्च के कारण, पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण, कैश डेबिट हुआ है किसके कारण डेबिट हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल के कारण डेबिट हुआ है, कितने से, 80,000 से। अच्छा यहां पे मैंने जेएफ लिखा है, जब मैंने जनरल बनाया था तो एलएफ लिखा था, यानी इसका मतलब क्या है, जर्नल में एलएफ लिखा होता था, यानी जर्नल की जो एंट्री है वो लेजर के किस पेज पर गई है, एलएफ मींस लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, और जेएफ मतलब ये जो एंट्री आई है वो जर्नल के किस पेज नंबर से आई है, ये पर्पस होता है एलएफ और जेएफ का। क्योंकि मेरे पास पूरा स्क्रीन बड़ी नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा पेज नंबर, अगर हमने मार्क नहीं किए, आपने रजिस्टर में प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसे लेजर फोलियो और जनरल फोलियो को समझने का, यानी ये क्रॉस दोनों तरफ क्रॉसिंग होता है इसका, यहाँ जर्नल लिखा जाएगा लेजर में लेजर फोलियो, और जर्नल में क्या लिखा जाता था, वहां पर लेजर फोलियो लिखा जाता था एल एफ, ठीक है। आइए आगे देखें, फिर 2 मार्च की एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है किसके कारण, परचेज के कारण, तो कैश साइड क्रेडिट साइड ये है, डेट वही है 2 मार्च है, मार्च 2nd, परचेज के कारण बाय, ये ट्रेडिशन है, इधर जब भी हम लिखते हैं अकाउंट कोई भी तो शुरू में 2 लगाते हैं, क्रेडिट साइड में जब भी किसी अकाउंट को लिखेंगे तो बाय लगाते हैं, बाय परचेजेस, कितने के परचेजेस हैं, परचेजेस हैं जी 36,000 के। चलिए इसके बाद देखें, 2nd के बाद 3 मार्च को भी कैश गया है, आइए किसके कारण गया है, मशीनरी के कारण, बाय मशीनरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कितने गया कैश, 4,000 रुपए से कैश कम हो गया आपके पास, इधर कैश बढ़ेगा इस साइड पे, उस साइड में कैश घटेगा, डिक्रीज होगा। देन 4 मार्च को कैश इन्वॉल्व नहीं है, 6 मार्च को भी नहीं है, 8 मार्च को कैश इन्वॉल्व है, जहां पे कैश हुआ है क्रेडिट यानी पेमेंट हुई है 17,500 की रघु के कारण, 8 मार्च को बाय रघुज अकाउंट, इसमें रूल क्या है, जो रीजन है वो तो अपोजिट साइड से आता है, अमाउंट उसके सामने से आएगा, क्योंकि जो अमाउंट कैश के सामने लिखा है वो आएगा, रीजन दूसरी तरफ से आएगा, ठीक है। रघु के कारण 17,500 कम हो गए, आपने पेमेंट कर दिया ना 17,500 का रघु को। इसके बाद 10th को कोई एंट्री नहीं है, मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है 10th को, मार्च को जो हुआ है, हाँ 13th मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी जनरल एंट्री में कैश डेबिट हुआ है किसके कारण, मैंने कहा रीजन अपोजिट से, अमाउंट सामने से, तो रीजन महेश चंदन कंपनी है, अमाउंट सामने है 19,800, और डेट क्या है 13th मार्च, टू महेश चंद एंड कंपनीज अकाउंट, ठीक है 19,800 रुपए, आई बिलीव ये समझ में आई होगी बात। देन कैश के बाद हम बात करें तो 15th हमारे पास है, 15th जो डेट है वहां पे कैश क्रेडिट हुआ है किसके कारण, दिलीप के कारण, दिलीप डेबिट है ना, तो दिलीप के कारण कैश क्रेडिट हुआ 14,850 से 15th मार्च को बाय दिलीप अकाउंट, बाय दिलीप्स अकाउंट 14,850, यहां पैसा आ रहा है यहां पैसा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, एक सेकेंड, हाँ 20th को, 20 तारीख को हमारे पास कैश आया है और 24 को भी कैश आया है, 25,000 और 18,000 ये दोनों कैश आए हैं, 20 तारीख वाला लिखूं पहले मैं, 20th को टू कैश, सॉरी किसके कारण, रीजन लिखना है ना, कैश तो आया है, रीजन है सेल्स, दोनों दिन ही सेल्स रीजन है, सेल्स हुई है, सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है एंट्री में देखो अपने सामने, एंट्री में 25,000 रुपए का अमाउंट है, ठीक है, यानी लेजर को बनाने के लिए किसकी हेल्प है, जर्नल की। अच्छा 20 के बाद 24th को जो हुआ है वो
24th को भी सेल्स के कारण आया है, सेल्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट्स, नहीं सेल्स अकाउंट डेबिट बोल दिया मैंने गलती से, मैंने लिखना था कैश अकाउंट डेबिट हुआ है सेल्स के कारण और 18,000 अमाउंट है। इसके बाद 25 तारीख को रेंट पे हुआ है, यानी कैश कम हुआ किसके कारण, रेंट के कारण 25 तारीख को, बाय रेंट कितना कम हुआ कैश, कितना गया कैश 1500। उसके बाद 25 के बाद 26 को कैश मिला है कमीशन के कारण, 26 को टू कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन मिला है आपको, कमीशन मिला है 2000 रुपीज का, तो कमीशन के कारण कैश हमारे पास बढ़ गया। तो इसके बाद देखें 28 तारीख को, और 28 तारीख को दो एंट्री हैं जहां पर दोनों ड्राइंग के कारण है, 5000 और 1200। आइए 28 तारीख को, और नहीं 28 तारीख की दो एंट्री हैं, दोनों में कैश क्रेडिट हुआ है यानी कम हुआ है किसके कारण, ड्राइंग्स के कारण। तो 28 को दो एंट्री है, अलग अलग लिख लो तो अलग लिख लो, एक साथ चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, बट बेटर है अलग अलग लिखो, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन जो जर्नल एंट्रीज के कारण अमाउंट आया है, तो बाय ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग की स्पेलिंग देख लेना जरा, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा, बाय इसे सही लिख देता हूँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट, हाँ जी, तो अमाउंट है 5000 and 1200, 5000 and 1200। अब एक काम कीजिए, ये मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स जर्नल एंट्रीज देखी और उनसे निकाल लिया कहाँ कहाँ कैश गया, कहाँ कहाँ आया है। अब देखो ये सारा पैसा आया है और ये पैसा गया है, तो इसका जरा टोटल करो एक बार आप लोग, ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, बताइए जी। हाँ जी, तो मुझे टोटल बताइए आप लोग, ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल कितना आ रहा है। देखिए कैश में हमेशा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाकी साइड में देखना पड़ता है कि कौन सी साइड ज्यादा है, कैश में दिक्कत नहीं आती क्योंकि कैश हमारे पास जो आया है वही तो खर्च होगा, यानी अगर आपके पास 100 है तो मैक्सिमम 100 खर्च हो सकते हैं, 100 में से 90 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 110 खर्च नहीं हो सकते कैश में से, ठीक है। तो कैश का डेबिट साइड हमेशा बड़ा होगा कैश का, और किसी अकाउंट की बात नहीं कर रहा, और क्रेडिट साइड जो है ये वाला साइड छोटा होगा। तो मुझे इनका टोटल करके बताओ, इन सब का टोटल कितना आ रहा है। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप लोग, कोई बता रहा है मुझे। हाँ जी, कितना, 1,44,800, ठीक है। देखिए जी, तो मैंने क्या किया, जो साइड बड़ा है उसका टोटल यहां लिख लिया, 1,44,800, ठीक है जी, ये कट तो नहीं रहा, एक बार मैं देख लूं, आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं एक बार देख लूं कि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनकी स्क्रीन में दिक्कत तो नहीं है, नहीं कट नहीं रहा उनके यहाँ पर भी, ठीक है। आइए जी, अब इसके बाद मेरी बात सुनिए, ये टोटल आ गया 1,44,800, मैं से यहाँ रफ में लिख लेता हूँ, तो डेबिट का टोटल कितना है, डेबिट टोटल आ गया 1,44,800। अच्छा क्रेडिट का टोटल और बताओ, ये तो क्या है, अमाउंट्स रिसीव्ड, डेबिट क्या शो करता है अमाउंट्स रिसीव, क्रेडिट क्या शो करेगा अमाउंट्स पेड, तो क्रेडिट का टोटल और बता दो मुझे, कोई किसी ने कर लिया हो क्रेडिट का टोटल कितना बता रहे, 80,050 रुपए, ठीक है 80,050 रुपए, ये माइनस कर दो इसमें से, मुझे बताओ कितना बचेगा, यानी इतना आया और इतना गया, तो कितना बचा आपके पास, हम बैलेंस जानना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस में, एक्चुअल में नाम ही देखो बैलेंस है, यानी जो बचा है आपके हाथ में जो है वो बताओ कि कितना बैलेंस है, टोटल नेट कितना है, नेट अमाउंट बताना होता है। तो 1,44,800 से 80,050 रुपीज माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना 64,750, 64,750 का मतलब हो गया 64,750। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो मैंने कहा ये साइड बड़ा है तो दोनों साइड को बराबर करना है, इसे बैलेंसिंग भी बोलते हैं आप लोग, बैलेंस करना है, ठीक है। आइए, तो इस साइड को भी मैं यही टोटल दूं, 1,44,800, ठीक
ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पर कितना लिखूं कि ये साइड इसका टोटल 1,44,800 आ जाए, यानी सर अगर ये जो क्रेडिट साइड का टोटल इतना है तो अगर ये आप ये अमाउंट लिख दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिखा वैसे बैलेंस क्रेडिट साइड में, बट वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा था ना, क्रेडिट कम था, तो बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। जो साइड ज्यादा होता है उसका बैलेंस अपोजिट साइड में दिखता है, ठीक है। आइए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वर्किंग नोट का नाम देना चाहो तो वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना जो आपने इस तरह से कैलकुलेशन की थी। वैसे बैलेंस कैरेट डाउन के लिए ऐसा वर्किंग नोट देते नहीं है हम, बट फिर भी 64,750। अब ये जो 64,750 यानी जो बैलेंस आया है, ठीक है, ये बैलेंस यहां लिखते हैं हम लोग। ये वर्किंग नोट था, मैं इसे हटा दूंगा यहां से, आप इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहां पर है नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट जो है उनके नाम आने हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैश अकाउंट लिख रहे हैं, कैश का हमने बैलेंस ढूंढ लिया है, और देखो डेबिट है या क्रेडिट है, जो साइड ज्यादा है उसका बैलेंस माना जाता है। डेबिट साइड का बैलेंस था, उधर तो बस बराबर करने के लिए लिख दिया, अदरवाइज ये बैलेंस डेबिट है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट वाले कॉलम में आएगा, क्रेडिट का बैलेंस होगा तो क्रेडिट कॉलम में आएगा। ये मत सोचना क्रेडिट साइड में लिख दिया तो क्रेडिट का बैलेंस हो गया, नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जिधर लिखा होता है उसका अपोजिट होता है। हाँ, क्लोजिंग कल को जब ओपनिंग बनेगा तो इस साइड ही आएगा, अगले दिन की शुरुआत करने के लिए, अगले महीने की शुरुआत करने के लिए, अगले साल की शुरुआत करने के लिए क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। आइए कितना आ गया, 64,750। अच्छा, तो ये मैंने एक अकाउंट आपको बनवाया, बाकी अकाउंट आपने बनाने हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे अकाउंट बनाऊंगा, नॉट टू वरी, ठीक है। बस आपने चेक करने हैं, अगली बार आप क्या करके आएंगे, आप बनाकर आएंगे और मैं आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है, कि आपने सही बनाए या नहीं बनाए, एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, आपके साथ। चलिए, थैंक यू।